अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपने भांजे की जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि न्यू बॉर्न बेबी को किस तरह से नहला सकते हैं। बहुत आसान टिप्स हैं, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बेबी के कपड़े, पाउडर, टॉवल वगैरह जो आपको ज़रूरत हो, जो आपने अभी बेबी को पहनाना होगा नहलाने के बाद, वो जो है आपने निकाल कर अच्छे से अपने पास रखना है। दूसरे नंबर पर पानी भी आप पहले रखिएगा, मौसम की मुनासिबत से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने बेबी के कपड़े उतारें, और बेबी को नहलाने के लिए आपने इस हाथ से इसको सीधा पकड़ना है, ठीक है। नीचे पाँव आपने जोड़ कर रखने हैं और एक हाथ के साथ पीछे से इसको पकड़ के रखना है ताकि ये गिरे ना। फिर आप नहलाने के लिए आप इसके फेस और हेड को ऊपर रहने दें साइड पर अभी, और बाकी के बॉडी पार्ट्स पर अच्छे से साबुन लगाकर इसको साफ़ करें बॉडी को। बेबी के बॉडी पार्ट्स में जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर अच्छे से आपने साबुन लगाकर उसको साफ़ करना है ताकि कोई भी जो इसका गंद वो बॉडी पे बाकी ना रहे और बेबी अच्छे से साफ हो जाए। नेक, अंडर आर्म, अंडर लेग्स, फिंगर्स के दरमियान में जो इनके जगह होती है वहाँ पर आपने अच्छे से जो है अपने थंब या फिंगर के साथ साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ करना है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप साबुन लगा रही होंगी तो अपने बेबी को जो है आप अपने हाथ से स्लिप मत होने दीजिएगा। सेम इसी तरह से हम अब बेबी को उल्टा करेंगे और इसकी कमर पे भी साबुन लगाएंगे अच्छे से, और इसके हिप्स जो हैं वो वहाँ पर भी हम अपनी फिंगर या थंब के साथ अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि इसके अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी के जो जिस्म पे जर्म्स वगैरह होते हैं या कोई गंद वगैरह लगा होता है तो वो जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। पानी बेबी के ऊपर जो है वो आपने अपनी हाथ की मदद से डालना है, ठीक है, किसी चीज़ के साथ नहीं डालेगा कि ज़्यादा भी पड़ सकता है, तो हाथ की मदद से जितना जितना पानी आपका हाथ पे आता रहेगा आपने वही जो है बेबी की बॉडी पे डालकर साबुन जो है वो अच्छे से रिमूव करना है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एक ही साथ आपने नहीं डालना, इससे जो है कि आपके बेबी का सांस जो है वो रुक सकता है। बाकी के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है आपने अब इस तरह से बेबी को ऊपर की तरफ फेस करना है और सर नीचे की तरफ, तो इस तरह से आपने धोना है। चाहे तो आप बेबी शैम्पू यूज़ करें, चाहे तो आप बेबी साबुन जो है इस पे यूज़ करें। तो अब यहाँ पर सर धोते हुए आपने बेबी के बालों पे तो अच्छे से साबुन या शैम्पू तो लगाना ही लगाना है, लेकिन मेन पॉइंट कि आपने बेबी के बैक साइड से जो कान हैं वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि बेबी के कान जो है वो काफ़ी गंदे होते हैं, बैक साइड से चिपक रहे होते हैं, तो इस तरह से आपने अपनी फिंगर के साथ उसके कानों को अच्छे से साफ़ करना है ताकि जो उसके कानों में गंदगी है वो साफ़ हो जाए। और सर पर पानी भी आपने इस तरह से हाथ की मदद से डालना है पीछे की तरफ ताकि बेबी के फेस के ऊपर पानी ना आए। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बारी आ जाती है बेबी के फेस की, तो बेबी के फेस पे जो है वो हमने हल्का सा साबुन लगाना है और सेम वैसे ही हाथ पे पानी डालकर बेबी के फेस को हमने वॉश कर लेना है। और इसी के साथ हमारे बेबी का बाथ जो है वो होता है कंप्लीट। आपने फ़ौरन से अपने बेबी को टॉवल में लपेट लेना है और अपने बेबी को पंखे से बचाना है, चाहे बहुत ही ज़्यादा गर्मी ही क्यों ना हो, एकदम से आपने इसको डायरेक्ट पंखे के नीचे नहलाने के बाद नहीं डालना। इससे क्या है कि आपके बेबी को निमोनिया वगैरह भी हो सकता है, इसलिए अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।